हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ नवरात्रि स्पेशल थाली। इस थाली को हमारे यहाँ अष्टमी या नवमी में बनाया जाता है। सबसे इजी रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ कि आप मिनटों में इस थाली को कैसे तैयार कर सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चने लिए हैं जिन्हें मैंने रात भर भिगो कर रखा था। एक कप के करीबन मैंने ये चने लिए थे। तो ये मैंने अच्छी तरीके से धुल करके भिगोया था। तो यहाँ मैंने पानी के साथ ही इसको डाल दिया है। हल्का सा मैं इसमें तेल डाल दूंगी, एक चम्मच के करीबन। पानी आपको इतना डालना है कि जो चने हैं ना वो डूब जाए। तो अब हम इसको सीटी लगाने के लिए रख देंगे गैस में। तो हमें यहाँ पर इसे मीडियम फ्लेम में 9 से 10 सीटी लगानी है। तो यहाँ पर हम इसे सीटी लगाने छोड़ देंगे और जब तक उसकी सीटी आती है तब तक हम पूरी के लिए आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप के करीबन आटा लिया है। तो इसमें मैं हल्का सा नमक डाल दूंगी और हल्की सी इसमें अजवाइन डाल दूंगी। अजवाइन से इसका टेस्ट बढ़िया आता है। हल्की सी कस्तूरी मेथी भी मैं इसमें डाल दूंगी। कस्तूरी मेथी और जो अजवाइन का जो मिक्स कॉम्बिनेशन हम पूरी में डालते हैं ना, तो बहुत बढ़िया टेस्ट देता है। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली इसका आटा तैयार कर लेंगे जैसे हम नॉर्मली आटा तैयार कर लेते हैं। तो अब मैं इसको इस तरीके से इसका डो तैयार कर लूंगी। तो देखिए ये डो मैंने बना लिया है। तो अब मैं हल्का सा हाथ में तेल लूंगी और इसको इसके ऊपर इस तरीके से लगा दूंगी और इसको हम साइड कर देंगे। तो ये देखिए ये चने हमारे तैयार हो चुके हैं। इसको हम खोल करके देख लेते हैं। तो अब मैं इसमें से एक चना निकाल के दबा के देख लेती हूँ कि कितना पका है। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पर मैंने तेल ले लिया है, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। एक चम्मच के करीबन मैंने यहाँ पर जीरा डाला था। जीरा इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है चनों में। तो ये जीरा जो है बिल्कुल अच्छे से चटक चुका था। तो अब मैं इसमें चने डाल दूंगी। पानी बिल्कुल मैंने नहीं डाला है यहाँ पर, क्योंकि पानी आप डालोगे ना तो वो थोड़ा क्रिस्पी से नहीं बनते। बिल्कुल पानी निकाल के मैंने इस चने को डाला है। हल्का सा 1 से 2 मिनट मैंने इसे भून लिया है और इसमें मसाले डाले हैं। तो मसालों में मैंने यहाँ पर नमक डाला है। तो इस टाइम मेरा कैमरा बंद हो गया था। तो यहाँ पर मैंने नमक, मिर्च और हल्की सी हल्दी डाली है। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट इन चनों को लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि बिल्कुल क्रिस्पी से हो जाए और बिल्कुल कुरकुरा सा टेस्ट आ जाए इनमें। तो देखिए चनों का पानी भी बिल्कुल सूख चुका है और बिल्कुल क्रिस्पी से ये हो चुके हैं। तो धनिया पत्ती से हम इसे गार्निश कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे काले चने बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम हलवे की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने सर्विंग स्पून से 1 स्पून घी लिया है। घी अच्छी तरीके से गल चुका है। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं डाल दूंगी। तो ड्राई फ्रूट्स को हम हल्का सा भून करके निकाल लेंगे, ज्यादा हमें नहीं भूनना है। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं। बाद में जब ये ठंडे होंगे तो डालते टाइम हम इसे काट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के करीबन सूजी ली है। सूजी को हमने इस तरीके से इसमें डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ लो फ्लेम पर सूजी को भूनना है। जितना ज्यादा सूजी भूनती है उतना ज्यादा हलवे में टेस्ट आता है। तो हम इसे लो फ्लेम पर ही भूनते रहेंगे। तो इसी तरीके से हमें इसे भून लेना है। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर इसे भूनते हुए। तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे। जितनी मैंने सूजी ली थी उतना ही मैंने यहाँ पर उसी कटोरे से चीनी डाली है, क्योंकि हलवा जो है थोड़ा सा मिठास तो इसमें होनी ही चाहिए। हल्का फिक्का हलवा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ देखिए अब हम इसको इस तरीके से भून लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी जो है हमेशा जब भी आप डालो गरम करके ही डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना। तो अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। पानी मैंने पहले से गरम करके रखा था। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी के करीबन सूजी ली थी। तो यहाँ पर मैंने 3 से 3.5 कटोरी के करीबन पानी डाला है हलवे में। यही मेजरमेंट है हलवे की। तो अब हम इसको पकने देंगे ताकि जो सूजी है वो बिल्कुल पानी एब्जॉर्ब कर ले। और ये जो ड्राई फ्रूट्स थे मैंने इनको काट लिया है, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा हलवा कितना बढ़िया सा लग रहा है। जो माता का प्रसाद होता है उसमें जो हलवा है थोड़ा सा लिक्विड होता है। तो ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर गर्मा गर्म पूरियों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटे से छोटे छोटे पेड़े से बना के रखे हुए थे ताकि जो पूरी बनाने में आसानी हो जाए, जल्दी जल्दी हमें पेड़े मिल जाते हैं उससे। तो यहाँ पर अब हम इसे बेल लेते हैं। पूरी का साइज आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, चाहे आपको छोटा चाहिए हो या बड़ी चाहिए हो। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज की पूरी बनाई है। तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए पूरी के लिए।
पूरी फुलाने की ये ट्रिक है कि जब भी आप पूरी डालो ना तो फ्लेम हमेशा हाई रखिए। हाई फ्लेम पर पूरी डालने से और उसको एक साइड प्रेस करने से ये होता है कि पूरी एकदम फूल जाती है। तो देखिए इस साइड को आप प्रेस करोगे तो ये पूरी बिल्कुल फूल चुकी है। हम इसको दूसरी साइड भी इसी तरीके से प्रेस करके थोड़ा सा दबा लेंगे तेल में। तो ये देखिए जो पूरी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये गर्मा गर्म पूरी निकल चुकी है। तो इसी तरीके से मैं बाकी पूरियां भी तल लूंगी। तो साइड से ही डालनी है आपको हमेशा पूरी, ये ध्यान में रखना है। हल्का सा हम इसको प्रेस करेंगे और ये बिल्कुल जल्दी से फूल जाती है, बिल्कुल मिनटों में पूरी बनाने का काम होता है। तो ये देखिए ये पूरी भी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। तो यहाँ पर ये पूरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको निकालते हैं और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो ये देखिए प्रसाद की थाली बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पर चने दानेदार हलवा और पूरियां मैंने बनाई हैं। तो देखिए कितने मिनटों का काम है इस प्रसाद की थाली को बनाने का। तो अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।